हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। मॉनसून के सीजन में हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। उनमें से एक है कि क्या हमें हमारे पॉटेड प्लांट्स में, जो प्लांट हमारे गमले में लगे हुए हैं, उन्हें खाद देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो मैं इतने दिनों से गार्डनिंग कर रही हूँ, मेरा अपना जो कुछ एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। मैं एक ऑर्गेनिक गार्डनर हूँ और आप लोगों के सामने मैंने कुछ, जो कुछ भी मैं अपने प्लांट्स में देती हूँ, वो कुछ चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ पे। और ये आप लोगों को बताने के लिए कि क्या चीज़ ऑर्गेनिक होते हुए भी, लगातार जब बारिश होती रहती है मॉनसून के सीज़न में, क्या चीज़ हमें अवॉइड करनी है और क्या चीज़ हमें पौधों में डालनी है। तो यहाँ देखें कुछ चीज़ें मैं, जो मेरे पास अभी इस वक्त अवेलेबल है, वो रखी हुई हूँ। यहाँ देखें, ये मेरे पास बहुत पुरानी काउडंग कंपोस्ट है, बहुत पुरानी, तकरीबन 2 साल पुरानी ये कंपोस्ट है, इसलिए आपको कुछ इस तरह का दिख रहा होगा ये। दूसरा है, यहाँ देखें वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट भी देखें कितना ब्लैक कलर का, बहुत बढ़िया है ये। और ये है बोन मील, मैंने थोड़ा थोड़ा आप लोगों को दिखाने के लिए रखा हुआ है। ये है नीम की खली, यहाँ देखें ये सरसों की खली है, ये ऑरेंज के कुछ सुखाए हुए टुकड़े हैं जिनका मैं फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करती हूँ अपने गार्डन में सालों भर। और ये है केले के छिलके, यहाँ कुछ अनियन पील आपको दिख रहे होंगे और कुछ लहसुन के छिलके हैं। ये सारा कुछ बहुत ही नेचुरल और हमारे ही, इसमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे किचन से ही निकली हुई हैं, जो हम अक्सर अपने गार्डन में यूज़ करते हैं। बहुत सारी वीडियो भी मैंने इस पर बनाई हुई है। इसके अलावा मार्केट से जो भी चीज़ें हम लेते हैं, एक तो मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि बरसात के मौसम में अगर आप लोग, हम में से कुछ गार्डनर हैं जो NPK, यूरिया और DAP इस तरह के केमिकल फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल करते हैं, अगर आप करते हैं तो ये आपकी मर्ज़ी है। मैं तो कहूँगी कि आप एक ऑर्गेनिक गार्डनर बने, लेकिन अगर आप करते हैं तो प्लीज़ इस वक्त मॉनसून के टाइम में यू इस्तेमाल इसका ना करें, क्योंकि जब बारिश होती है उसके बाद 10 मिनट के लिए भी अगर धूप निकलती है तो उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है, मॉइस्चर दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है बहुत डेडली होता है और पौधों के लिए बहुत घातक होता है। तो इस समय हम क्या करेंगे वो जानेंगे। मैं तो यही कहूंगी कि केमिकल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, नहीं तो मॉनसून के सीज़न में जितनी आपके पौधों में ग्रीनरी नहीं आएगी, ग्रोथ नहीं होगी, उतना आपका पौधा जलने का, बर्न होने की संभावना ज़्यादा रहेगी, क्योंकि हीट होने से उसके स्टेम ख़राब हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें किस चीज़ का इस्तेमाल करना है। तो उसमें देखें, इतने दिनों का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि आपके पास जो भी 1-2 साल पुरानी खाद है, चाहे आपने किचन वेस्ट से बनाया हुआ हो, चाहे आपने कोई वर्मी कंपोस्ट बढ़िया लिया हुआ हो, इन सबको अपने पास रखें, या फिर काउडंग कंपोस्ट जो 1-2 साल पुराना हो, इन सबको आप मानसून के लिए अपने पास स्टोरेज में रखें, ताकि आपको ये ना सोचना पड़े कि मुझे क्या देना है और क्या नहीं देना है। यहाँ देखें, मैंने बताया आप लोगों को कि काउडंग और वर्मी कंपोस्ट जितना पुराना होगा आप आराम से दे सकते हैं, नीम खली बारिश में आप कभी भी दे सकते हैं, और बोन मील के इस्तेमाल करने से बचें, जो बोन मील स्टीम्ड हो। मैं एक बार फिर से इस चीज़ पे आप ज़्यादा वो जोर डाल रही हूँ कि मार्केट में स्टीम्ड बोन मील मिलते हैं, जिनको अगर आप मानसून में भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे नॉर्मली जो बोन मील मिलता है प्लीज़ उससे बचें, क्योंकि वो आपके प्लांट में ज़रूर नुकसान पहुंचाएगा। बहुत बार मैंने बहुत अपने नए नए प्लांट खोए हैं, इसलिए अपने एक्सपीरियंस से ये बता रही हूँ कि थोड़ा ध्यान रखें। कहने को तो ये सारे जो भी आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक कंपोस्ट है, लेकिन हमें ऑर्गेनिक में भी चूज़ करना है कि हमें इस सीज़न में क्या डालना है और क्या नहीं डालना है। जैसे कि हम अक्सर, आप लोगों ने भी किया होगा, सरसों की खली का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन लेवल बहुत अच्छा होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बारिश के सीज़न में
प्लीज़ इसका इस्तेमाल करने से बचें। इसे ऐसे भी नहीं डालना है, सूखे फॉर्म में भी नहीं डालना है, और लिक्विड फॉर्म तो वो तो और ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन हो जाती है मानसून में। दूसरा है, ये ऑरेंज के छिलके हैं और आप देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल सूखे हुए हैं। इन छिलकों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इनमें जो भी एलिमेंट होते हैं वो आपके मिट्टी से बैक्टीरिया को रिमूव करते हैं, फंगस को रिमूव करते हैं। लेकिन अगर आप इसे कच्चा यूं ही डाल देंगे रॉ, तब थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इस तरह से अगर आप बहुत अच्छे से सुखा के अपने पास डब्बे में भर के रखें और इसका पाउडर मानसून में यूज़ करें, ये बहुत बढ़िया है। उसके बाद आता है केले का छिलका। तो एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आपने, आपके पास कोई नया प्लांट है, सक्कुलेंट है या कोई सॉफ्ट वुड प्लांट है, तो उन प्लांट्स में तो मैं चाहूँगी कि आप पूरे बारिश ना ही कोई फर्टिलाइज़र डालें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन कुछ सब्जियां हम लगाते हैं, कुछ फ्रूट्स लगाते हैं जो इस समय अपने फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज में होता है। इस समय क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अगर बारिश होती है तो हमारे मिट्टी की जो टॉप सॉयल होती है, जो बहुत उपजाऊ फर्टाइल मानी जाती है, वो धुल जाती है। नीचे से भी लीचिंग होती है, उसके थ्रू भी सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं। फिर हमारा प्लांट, फिर आपको ना ही सब्जियां मिलेंगी ना ही फ्रूट मिलेगा। ऐसे कंडीशन में हमें कंपोस्ट देना पड़ता है। ऐसे में हम क्या करें? तो ऐसे में आप देखें कि जो वर्मी कंपोस्ट है और ये काउडंग मैन्योर, इन दोनों का, वो भी पुरानी होनी चाहिए। और इसकी पहचान क्या है कि ये जितना ब्लैक कलर का होगा उतना ये बेहतरीन है। इसमें अगर कहीं भी आपको ब्राउन पार्ट दिखें तो प्लीज़ अवॉइड करें, क्योंकि मार्केट में हमें नहीं पता होता कि ये कितना पुराना है या किस तरह से बना हुआ है। सेम चीज़ें, सेम चीज़ काउडंग में भी लागू होती है। सिर्फ नीम खली को आप कभी भी दे सकते हैं मानसून में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी हाल फिलहाल में मैंने 2-3 वीडियो बनाई हुई है, उसमें आप सर्च करना, उसमें से एक है नीम खली के ऊपर ही मैंने पूरा डिटेल वीडियो डाला हुआ है। उसमें भी मुझे क्वेश्चन आ रहे हैं कि इसमें वाइट सा कुछ दिख रहा है, ये क्या है, लम्प्स बन रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोज़ को पूरा देखें। मेरी वीडियोज़ थोड़ी लंबी हो जाती हैं लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि सारा डिटेल उसमें डालने की, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। नीम खली को हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना है ये मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया हुआ है। इसके मैंने आप लोगों को बताया कि क्यों हमें इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो जितनी भी बेल वाले पौधे हैं या फिर जितने भी फ्रूटिंग प्लांट्स हैं, उन सब में आप एक बात नोटिस कीजिएगा कि जैसे ही मानसून आता है और लगातार बारिश होती है तो पत्तियों का जो कलर है, उसमें पत्तियों में जो वेन होती है वो डार्क ग्रीन होती है, और जो उसका बीच का पार्ट होता है वो लाइट ग्रीन होता जाता है। ये क्यों होता है? ये माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी की वजह से होता है। और अगर उस समय हम खाद नहीं डालेंगे तो हमारा प्लांट बहुत ख़राब कंडीशन में चला जाता है, इसलिए हमें इन सब का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो बोन मील भी डालें, अगर आपको स्टीम्ड मिलता है तो ज़रूर डालें, और ये काउडंग, वर्मी कंपोस्ट और नीम खली, ये तो डालें ही डालें क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल होते हैं और एंटी फंगस होते हैं। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है इस मानसून के समय पौधों को, ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए। यहाँ देखें, यहाँ आप लोगों के साथ मैं 3-4 महीने पहले ये पत्तियों की खाद बनाना स्टार्ट किया था मैंने। अभी इसका पूरा डिकम्पोजिशन नहीं हुआ है, लेकिन अगर कोई और मौसम रहता तो मैं इसे डाल देती, बहुत बढ़िया काम करता है। लेकिन अभी मानसून में इस तरह की कोई भी चीज़ आपको नहीं डालनी है, चाहे वो किचन वेस्ट हो या फिर इस तरह से पत्तियों की खाद हो, ये बहुत अच्छी होती है मानसून में। लेकिन अगर पुरानी ना हो तो इस तरह से हाफ डिकम्पोज्ड किसी भी चीज़ को आप नहीं डालेंगे पेड़ पौधों में। याद है मेरा ये गुड़हल का प्लांट है जो कुछ टाइम पहले तक बहुत बढ़िया फ्लावरिंग कर रहा था, लेकिन अभी इसमें डिजीज्ड भी है। ये देखें, इसमें मिलीबग लगे हुए हैं, ये प्लांट कमज़ोर हो गया है। तो अभी ना चाहते हुए भी मुझे इसमें कोई ना कोई कंपोस्ट ऐड करना पड़ेगा। और मैंने आपको शुरू में ही इनिशियल ही बोला था कि जब बारिश का मौसम आता है तो हमारे बहुत सारे प्लांट्स में माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है। यहाँ देखें, उसके लक्षण कुछ इस तरह से होते हैं। ये जो पत्ती दिख रही है, इसमें जो वेन गई हुई है वो आपको डार्क ग्रीन दिख रही होगी, लेकिन पूरा जो इसकी पूरी लीफ है वो लेमन कलर की दिख रही होगी। ये पहचान है कि आपका प्लांट, इसमें बहुत सारे एलिमेंट की कमी है। और साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि इसकी पत्तियाँ पीली भी पड़ रही हैं।
अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो मेरा ये प्लांट ख़राब हो जाएगा। ऐसी स्थिति में मानसून में भी हमें कंपोस्ट देना पड़ता है। कैसे देना है वो भी जान लें, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश में, देखें बहुत तेज़ जब बारिश होती है तो ये जो टॉप सॉयल है ये बहुत ही फर्टाइल होती है, क्योंकि हम लोग यहीं पे इस 2 इंच में, कंटेनर के ऊपर वाले 2 इंच में जितने भी खाद न्यूट्रिशन सब यहीं पे होते हैं। तो इसलिए हमें इस तरह से मानसून में खाद देनी चाहिए। पहले किनारे किनारे मिट्टी को हल्का कर लें, ऊपर उठाएं। आपके ऊपर की सॉयल में ये कंपोस्ट नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। ये देखिए अच्छे से मिट्टी को हल्का कर लिया है मैंने। जितना नीचे डालेंगे उतना बेहतर होगा, क्योंकि ऊपर से ज़्यादातर टाइम हम देखते हैं कि हमारा सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स नीचे की तरफ बह जाता है या फिर ऊपर से निकल जाता है। इसलिए हम इस तरह से देखें, किनारे किनारे इस तरह से खाद डालेंगे। ये मैं यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट डाल रही हूँ जो काफ़ी पुराना है। मॉनसून के लिए स्पेशली मैं इन चीज़ों को ज़रूर अपने पास रखती हूँ, क्योंकि किचन वेस्ट कंपोस्ट भी हम 3 से 4 महीने में यूज़ करने लगते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें ऐसे कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो पूरी तरह डिकम्पोज नहीं होते हैं और उनसे भी हमारा प्लांट ख़राब होने लगता है। देखें एक ही चीज़ हर मंथ हर सीज़न में अलग अलग रिएक्ट करती है, उससे अलग अलग हमें बेनिफिट्स होते हैं और उसके डिसएडवांटेजेस भी हमें झेलने पड़ते हैं। तो जितना हम जानेंगे, जितना एक्सपीरियंस करेंगे, उतना ही बेहतर हम अपने गार्डन को मेंटेन भी कर पाएंगे। और अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप पीछे देख सकते हैं कि बारिश होने ही वाली है। देखें और मेरे गार्डन को एक बार देखें कि ये कितना हरा भरा सुंदर लस ग्रीन है। यहाँ पे मेरे ये पम्पकिन का की एक बेल जा रही है और आप देखें कितना हेल्दी, और मेरे डबल ये दोनों हाथ मैं अगर एक साथ जोड़ लूँ तो भी ये पत्ते इतने बड़े हैं। ये सब इसी तरह के खाद का, इसी तरह के कंपोस्ट का कमाल होता है जो भी मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया। तो इसी वजह से अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर, थैंक यू।